साइंस एग्जीबिशन वर्ष 2019-20 का ये जूनियर प्रोजेक्ट है, जिसमें मेन थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब थीम हमने लिया है एजुकेशनल गेम एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है आओ खेलें आओ सीखें, जिसमें जो टॉपिक कवर्ड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हैं। और इस प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर इस बैनर में प्रिंट कराए हैं और वो इस प्रकार से हैं। इस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे अपने इन नन्हे मुन्नों के द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सप्लेन करें। नमस्कार सर जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रकल्प में, जिसका नाम है आओ खेले आओ सीखे। आइए सर, सबसे पहले खेलते हैं गुप्त नंबरों की बैरी। सर, इस कार्ड में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कीजिए, उसे अपने मन में ही रखिएगा। थोड़ी ही देर में बताएंगे हम आपके मन में छिपा हुआ गुप्त नंबर। सर, आपने जो नंबर सिलेक्ट किया है, क्या वह नंबर इस कार्ड में है? हाँ, इसमें है। क्या वह नंबर इस कार्ड में है? इसमें नहीं है। क्या वो नंबर इस कार्ड में है? इसमें भी नहीं है। उस कार्ड में है? इसमें भी नहीं है। इस कार्ड में है? हाँ, इसमें है। इस कार्ड में है? नहीं, इसमें नहीं है। सर, आपके मन में आ चुका हुआ गुप्त नंबर है 16। बिल्कुल सही। कैसे है बेटा? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सभी कार्डों के कॉर्नर्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं और आपका वह गुप्त नंबर इन दो कार्डों में था। जैसा कि 2 और 14 को प्लस करके 16 आता है, वह आपके गुप्त नंबर है। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सर, हमने नंबरों का ही दूसरा गेम तैयार किया है, जिसका नाम है 4 नंबरों की पहेली। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप इस गेम को हमारे साथ खेलिए और मैं पीछे जा रही हूँ ताकि इस गेम इस नंबरों को मैं ना देख सकूँ, ताकि यह गेम हम और भी मनोरंजक तरीके से खेल सकें। ओके सर, आप फर्स्ट स्टेप के अनुसार कोई भी 4 नंबर इधर चिपकाइए। फर्स्ट स्टेप मैंने पूरा कर लिया, 4 नंबर चिपका दिए हैं। इसको अगर मैं जोड़ू, आपको बताना नहीं है ना ये नंबर? फर्स्ट स्टेप की संख्या में से सेकंड स्टेप की संख्या को घटा कर सकता है। अच्छा, ऊपर वाले संख्या और नीचे वाली संख्या को माइनस करना है। हाँ, मैंने ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को माइनस करके नीचे थर्ड स्टेप में चिपका दिया है। सर, फोर्थ स्टेप के अनुसार थर्ड स्टेप के 4 डिजिट्स में से कोई भी 3 डिजिट हमें बताइए, 4 डिजिट हम आपको बताएंगे। चलिए, 3 डिजिट मैं आपको बता रहा हूँ नीचे के, 416। सर, आपने जो नंबर हमें नहीं बताया वो है 7। बिल्कुल सही, मैं 7 मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको खाली 416 बताया था। करेक्ट। कैसे पता चला कि मैंने 7 छुपाया है? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपका वह 3 नंबर थे 416 को प्लस करके आप 9 के पारे में उससे बड़ी संख्या, जैसा कि 9 दुनी 18, तो 18 में से आप इतना 5, 11 को माइनस करके आपका वो आंसर आएगा। ओके, 9 के टेबल से आंसर आ रहा है। हाँ। जब मैंने इसको प्लस किया, आपने इनको प्लस किया तो 11 आया, और आप 9 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 9 2 18 होता है ना, और 11 के नज़दीक है ये, तो उसको माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है, इसलिए वो छुपा हुआ नंबर 7 था। ओके, वेरी गुड बेटा। अब इसका फ़ायदा क्या है? खेल, इस खेल को खेलने से हमें जोड़ घटाना
पर सर्कल किया है। तो जिस नंबर पर हमने सर्कल किया है उन नंबर पर कुछ सवाल दिए गए हैं, हम डाइस फेंकेंगे। जैसे कि 6 और 3 है मेरा, तो उनका योगफल 8 होता है, तो मैं 8 पर आऊँगा और 8 नंबर ये सर्कल नंबर है, तो मुझे 8 नंबर पर दिए गए सवाल को हल करना है। यदि मैंने इस सवाल को हल कर लिया तो मैं सूचना अनुसार एक कदम आगे बढ़ूंगी, और यदि मैं इस सवाल को हल नहीं कर पाई तो मैं सूचना अनुसार 2 कदम पीछे बढ़ूंगी। इसी प्रकार मैं आगे पीछे बढ़ते हुए इस मनोरंजक खेल को खेलते हुए यह खेल खेलेंगे। सर, यहाँ पर हमने इस बोतल के सारे एक छोटा सा वायुमंडलीय नल तैयार किया है, जो वायुमंडलीय दाब पर आधारित है। जब चाहे चालू, जब चाहे बंद, चालू बंद। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जैसे ही ढक्कन खोला वायुमंडलीय दाब बढ़ा, और जैसे ही हमने ढक्कन बंद किया उसके भीतर वायुमंडलीय दाब कम हुआ, इसलिए वो बंद। सबसे मजेदार खेल इस बोतल में तैरता हुआ या गोताखोर, जो हमारे आदेश का पालन इस तरह करता है जैसे कोई बंदर अपने मदारी के आदेश का पालन करता है। जमूरे नीचे जा, जमूरे ऊपर जा, जमूरे नीचे आ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सर, ये सभी प्रयोग सर यह एक्टिविटी क्रिया तथा प्रतिक्रिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब हम बॉटल पर दाब डालते हैं तो पानी ऊपर की ओर गति करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गोताखोर नीचे की ओर आता है। जब हम पानी पर का दाब छोड़ देते हैं तो पानी नीचे की ओर गति करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गोताखोर ऊपर की ओर आता है। सर, यह सभी प्रयोग वेस्ट में से अतः न्यूनतम खर्च में तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रकल्प एक खिलौने की तरह है, इससे इन सभी के कॉन्सेप्ट को सीखने व समझने में आनंद आता है। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है आपने।